हजरत मुहद्दस इब्ने जौजी ने लिखा है कि हजरत हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स अक्सर आता था, बड़ा मालदार था, एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। तो आप अक्सर उसको कहते हैं कि तू तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते हैं कि ठीक हो जाए, एक ही तो बेटी है, वो भी बेचारी माजूर है, तो कहां दौलत ले जाए। आज करता हूं, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माज अल्लाह के, रमजान से मैंने नेक हो जाना है, उमरा करके आऊंगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूं। खुदा के बंदो, किसने तुझे बताया कि रमजान तक तू जिंदा रहेगा? किसने खबर की कि उमरा करने तक तू बचेगा? हजरत हबीब अजमी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ था? कहने लगा हजरत जी कल एक 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का। नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडा खेड दी, फिर मैं खेडा भुल दया भुल दया भुल गई। कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखने, फिर ओदी याद च रोंदिया ही डुल गई। हैदर शाह इस गली कदे ना रुल दी, पर हुण ते रुल दी रुल दी रुल गई। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल थी। हम तो बड़े ही नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते। यही तो उम्र है कुछ कल गुजरने की। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया तो आप हजरत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे हैं, तो मजदूर बैठे थे तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया, कहने लगा चचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ दो। 15 साल का जवाब। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, आप यही ना समझ लें कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है नमाजी है, और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चचा मैं रिस्क हलाल खाता हूं, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा, मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई, कहने लगी दोपहर का खाना पक गया उसे को रोटी खा ले, रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला उसको 3 दिनार थमाए तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है, हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है, मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा आप क्या करोगे, कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं, आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया, इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पड़ी, उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया ना हो, एक ही बेटी वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए मियाँ बीवी, उसे खाना खिला, बताया बेटे एक नौजवान है बड़ा नेक है हमारे घर में, आज बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना, नौजवान
तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो और देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मेरे मजलस बूर, अल्लाह फख्र करता है। आप सोचे तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान और बड़ा नेक है, तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई, बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे, तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती कभी इधर आती, कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, अरे अल्लाह तो कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ। बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक्कुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकियों को भी जरा भूल पता चले। कहते हैं वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, ये जो बचपना, हमें लोग कहते ना अभी बच्चे हो, अभी जब आप बालिग हो गए तो नमाज फर्ज हो गई, सच बोलना जरूरी हो गया, रिस्क हलाल खाना जरूरी हो गया, शरीयत सारी की सारी लागू हो, एक तो दरगुजर से काम ले, दूसरा अपनी जिंदगी के अंदर ख्वाहिशात को छोड़े। सादा खाना तो वैसे ही इंसान को तंदुरुस्त रखता है, ये जो चक्कर हमने डाला हुआ ना मर्जियां करने का। अब मोटरसाइकिल बिल्कुल अच्छी भली होती है पर सिफारिश ये है कि मॉडल पुराना हो गया है, तो ये तो कमजोर लोगों की अलामत।